राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ स्टैक का ही नहीं, पूरे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और हमारे साथ अगेन इस वीडियो के लिए जुड़ चुके हैं प्रशांत, हमारे दोस्त। राम राम कोडर्स। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे हम एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों से पूछा था क्यों हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और आज फिर से वही सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में आना और बताना क्यों हम कन्वर्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि क्यों एक इनफिक्स ऑपरेशन को इंटरनली कंप्यूटर किस तरीके से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है। सो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे। देखिए ये सेट ऑफ रूल्स है जो आपको ध्यान में होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और एग्जांपल के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन भी ले लिया है जिसे हम सॉल्व करेंगे आफ्टर वी कंप्लीट दिस थ्योरी पार्ट। तो देखिए सबसे पहला रूल है, आप जो इवेल्युएट करना चालू करेंगे प्रशांत, इसको आप चालू करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इवेल्युएट करना, इवेल्युएट या फिर कन्वर्ट करना। तो अगर हमें क्या क्या चीज मिल सकता है यहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ऑपरेंड मिल सकता है, राइट। ऑपरेंड अगर हमें मिलेगा, हमें कुछ नहीं करना है। हम अगर मान लो एक स्ट्रिंग हमें रिटर्न करना है, तो हमें आउटपुट स्ट्रिंग जो होगा ना, उस आउटपुट स्ट्रिंग में हम उस ऑपरेंड को ऐड कर लेंगे। दूसरा क्या केस हो सकता है कि ऑपरेटर मिलेगा। नाउ ऑपरेटर में ना यहाँ पर हमें कुछ केस देखना हो सकता है, जैसे कि एक ऑपरेटर हो सकता है हमें प्लस माइनस मिले, एक ऑपरेटर हो सकता है हमें मल्टीप्लाई डिवाइड मिले, एक ऑपरेटर हमें हो सकता है पावर वाला मिले। तो इन सभी ऑपरेटर का ना, अब ये सिंपल ऑपरेटर नहीं जैसे हम बोर्ड मास में करते थे ना, सबका प्रायोरिटी डिसाइड करते थे, ये कुछ उसी तरीके का काम चलता है कंप्यूटर सिस्टम में भी। प्लस और माइनस, प्लस और सब्ट्रैक्ट, जो भी आप कह लो, इन दोनों का प्रायोरिटी जो है वो लीस्ट होता है। तो इसका प्रायोरिटी मैंने 1 यहाँ पर कह दिया है फॉर सेइंग, मतलब ऐसा मान मत लेना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन दोनों का प्रायोरिटी प्लस और माइनस से थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसका मैंने प्रायोरिटी 2 मान लिया। और एक पावर वाला जो होता है एक्सपोनेंशियल, इसका प्रायोरिटी इन सब से ज्यादा होता है, तो इसका प्रायोरिटी मैंने 3 मान लिया। अब जब हमें एक ऑपरेटर मिल रहा है, तो अगर उसका एक छोटे से बात से इसको करते हैं, जैसे कि अगर मान लो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, उनको एक बड़ा आदमी आके डोमिनेट कर सकता है क्या, उनको बता सकता है क्या कुछ भी, मतलब उनको डोमिनेट कर सकता है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल वही कहानी है, अगर कुछ छोटे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास पहले से स्टैक में, तो हम उनके ऊपर एक बड़ा ऑपरेटर को ला सकते हैं, राइट। पर अगर मान लो कि हमारे पास कोई बड़ा ऑपरेटर है और उसके ऊपर एक छोटा सा ऑपरेटर आके बोले कि भाई नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये नहीं चलेगा। तो छोटे के ऊपर अगर बड़ा है, that's justified, लेकिन अगर बड़े के ऊपर छोटा आ जाए, that's not justified। इवन अगर इक्वल के ऊपर भी इक्वल आ जाए ना, तो वो भी कोई बात नहीं सुनता। तो बस एक ही केस में बात चलेगा, अगर आपके पास, आप छोटे हो, आपके ऊपर कोई बड़ा आके बोल रहा है, आप उसकी बात सुन सकते हो। आप किसी बड़े को जाके कुछ समझाने लगोगे, वो आपका बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। इवन आप अपने मतलब सेम ग्रुप के लोग को भी जाके बोलो कि भाई ऐसे कर, नहीं बात सुनने वाला। तो दैट्स इट, ये रियल लाइफ से ही इसको इंस्पायर्ड होके ये रूल्स को बनाया गया है, ताकि लोग को याद करने में दिक्कत ना हो। तो अब हमें करना क्या है, जो भी ऑपरेटर हमें मिलेगा ना, अगर उसका प्रेसिडेंस प्रीवियस ऑपरेटर से ज्यादा होगा, तो हम सीधा उसको स्टैक में पुश करेंगे। एक हम स्टैक मेंटेन करके चलेंगे। अगर हमारे पास पहले से प्लस था, उसके ऊपर पावर वाला है, नो प्रॉब्लम, उसको स्टैक में पुश करो। नहीं तो अगर हमारे पास पहले पावर फंक्शन था, अब हमारे पास आया प्लस, तो जब तक हमें इस प्लस से बड़ा या बराबर ऑपरेटर मिलते रहेगा, तब तक हम इसको पॉप करते रहेंगे स्टैक को, आइदर कि उससे बड़ा मिल जाए, उससे छोटा मिल जाए, या फिर स्टैक एम्प्टी हो जाए। क्योंकि ये तो सिर्फ अपने छोटे के ऊपर बैठ सकता है ना, छोटे के ऊपर बैठ सकता है, अपने बड़े के ऊपर नहीं बैठ सकता है, या फिर बराबर वाले के ऊपर भी नहीं बैठ सकता है। तो जब तक हमें इससे बड़ा या इससे इक्वल मिलते रहेगा, हम इसको पॉप करते रहेंगे और पॉप करके हम इसको कहाँ पर डालेंगे, आउटपुट जो स्ट्रिंग हमने बनाया है उसमें डालते रहेंगे। और इस तरीके से हमारा ये भी होते रहेगा। और अगर हम इसको पॉप कर रहे हैं तो एक चांस ये भी हो सकता है कि हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, हमें फिर उसके बाद फिर चेक मत करने बैठ जाना, नहीं तो इट विल बी अ एरर। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टॉप देयर, और इसको ऑपरेटर को सीधा सीधा पुश कर दो यहाँ पर जो भी है, डोंट डू फर्दर एनी कंपैरिजन। और इसके बाद से अगर हमें ऑपरेटर छोड़ के और दो चीज और मिल सकते हैं, ब्रैकेट्स। तो अगर हमें ब्रैकेट मिल रहा है ना, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो सीधा सीधा उसको स्टैक में पुश कर देंगे हम लोग। और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो जब तक हमें स्टैक में क्लोजिंग एक फर्दर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाएगा इस ओपनिंग ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट, जब तक हमें एक फर्दर एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाएगा इस क्लोजिंग ब्रैकेट की कॉरस्पॉन्डिंग, हम तब तक सारे ऑपरेटर्स को इधर से स्टैक से पॉप करते रहेंगे और इसको पुश करते रहेंगे अपने ये जो स्ट्रिंग है इसमें। इट्स ओके प्रशांत, सारे रूल्स क्लियर हो गए? बिल्कुल। तो चलिए एक बार ये जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है ना, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। प्रशांत अगर आपने समझ लिया इसको तो आप एक बार गाइड कर देना। तो चलिए, जैसे कि हमने बात किया था, हम लेफ्ट से इवैल्यूएशन चालू करेंगे। बिल्कुल। और जब तक हम लोग को एक ऑपरेटर मिलता जाएगा, हम लोग अपने आंसर में, सॉरी ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंड मिलता जाएगा, हम लोग उसको अपने आंसर में पुश करते, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल में ऐड करते हैं। आंसर इसमें उसको हम लोग ने अपने स्ट्रिंग वेरिएबल में डाला, ठीक है। फिर हमें प्लस मिला, अगेन फिर हम लोग को प्लस मिला, तो स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग स्टैक में डालेंगे, देयर विल बी नो कंपैरिजन। फिर हम लोग को बी मिला तो हम लोग अपने स्ट्रिंग आंसर में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन मिला तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, वो बड़ा है कि नहीं है। बड़ा तो है, तो ऑब्वियसली प्लस से बड़ा है तो हम लोग पुश करेंगे जैसा कि शिव ने बोला था। फिर हम लोग को ब्रैकेट मिला तो अगेन पुश करेंगे बिना सोचे समझे, इसमें चेक नहीं करने बैठ जाना। राइट राइट। फिर हम लोग को एक ऑपरेंड मिला तो अगेन हम लोग उसको अपने आंसर वाले स्ट्रिंग में पुश, मतलब ऐड करेंगे। फिर हम लोग को एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मिला, ऑब्वियसली पुश करेंगे हम लोग उसको। देन अगेन हम लोग को एक ऑपरेंड मिला डी, तो हम लोग उसको आंसर में ऐड करेंगे। देन हम लोग को एक माइनस मिला, लेकिन हम लोग जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो माइनस का जो प्रायोरिटी होगा ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल से कम आएगा। देन एज पर शुभ ने जो बताया था, हम लोग उसको पॉप करेंगे तब तक जब तक हम लोग को एक लेसर प्रायोरिटी का ऑपरेंड ना मिल जाता हो। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाले को पॉप करेंगे और इसको अपने आंसर वाले में ऐड करेंगे, तो डी के बाद एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ठीक। राइट। और उसके बाद हम यहाँ पर हम लोग अपने माइनस पुश कर देंगे। और एक चीज, जब हम इसको कोड में लिख रहे होंगे ना, तो हम इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी हमें मिल रहा है सिंबल, तो वो क्या सिंबल होगा? वो सिंबल होगा बेसिकली ओपनिंग ब्रैकेट का ही, तो उसका प्रेसिडेंस यहाँ पर -1 डिफाइन कर देंगे ऑलरेडी, ताकि फिर कम उसका प्रेसिडेंस होता है, उसके फर्दर वो नहीं जाए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ पर तक हम पहुंच चुके हैं अभी प्रशांत। उसके बाद फिर हम लोग को ई मिला, तो ई को देन हम लोग को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो एज पर शिव ने जो बोला था, हम लोग को जब भी क्लोजिंग मिलेगा तो हम लोग पॉप करेंगे तब तक जब तक हम लोग क्लोजिंग वाले तक ना पहुंच पाए, मतलब सॉरी ओपनिंग वाले तक ना पहुंच पाए। ओके ओके। तो यस, ई को हम लोग ने माइनस किया। देन अगेन हम लोग को एक्सपोनेंशियल मिला तो हम लोग उसको पुश करेंगे। नहीं प्रशांत, यहाँ पर इक्वल प्रेसिडेंस हो गया ना, अच्छा सॉरी यस यस, ग्रेटर प्रेसिडेंस, ये 1 एक्सपोनेंशियल या एंड दिस इज 3, इट कैन सिट ओवर देम, प्रेसाइड ओवर देम। फिर एक ओपनिंग आ गया, देन अगेन वी विल गेट अ ओपनिंग ब्रैकेट, वी विल पुश, देन वी विल गेट अ ऑपरेंड, वी विल ऐड इट इनटू द आंसर, देन वी विल गेट ऐड, वी विल पुश, देन अगेन g, then multiplication, then H we will add it into the answer. फिर एक closing bracket आएगा। Closing, तो अब हम लोग जब तक opening ना मिले तब तक stack को pop करते जाएंगे और इसको add करते multiplication stack में सबसे पहले ये multiplication है तो सबसे पहले यहाँ पर multiplication जोड़ेगा, फिर यहाँ पर बिल्कुल प्लस है तो फिर प्लस जुड़ेगा बिल्कुल। और इन चारों को हमने कर दिया अब पॉप, देन हम लोग को मिला माइनस। तो माइनस का प्रायोरिटी ऑब्वियसली कम है एक्सपोनेंशियल से, तो हम लोग माइनस करेंगे सॉरी पॉप करेंगे right. तो एक्सपोनेंशियल वाला पॉप हुआ, देन मल्टीप्लिकेशन वाला आएगा तो वो अगेन ग्रेटर है उसकी प्रायोरिटी तो हम लोग अगेन पॉप करेंगे। प्लस आया एंड देन प्लस आया उसका बराबर है उसको ही पॉप कर देंगे, बराबर है उसको भी पॉप करेंगे क्योंकि शुभ ने बताया था कि हम लोग इक्वल वाले पे भी नहीं बैठा सकते। एंड देन वी विल लेफ्ट आउट विद माइनस, सो द एंड रिजल्ट विल बी माइनस राइट। अब माइनस आ चुका है और अब है हमारे पास एक लास्ट जो है काइंड ऑफ एक ऑपरेंड बचा है आई, उसको हम कर लेंगे, उसको हम लोग डाले ऐड किए और उसके बाद अब जो भी हमें ऑपरेंड हमारे स्टैक में बच चुके हैं तो हम तब तक स्टैक को एम्प्टी नहीं हो जाए जब तक हमारा स्टैक, तब तक हम सारे ऑपरेंड को इसमें कॉपी कर देंगे जितने भी बच रहे हैं स्टैक वाले फैशन में। तो ये आ गया हमारा आंसर। काफी ही मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छे लोग कंफ्यूजन हो जाता है, यू एज अ बिगिनर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दिक्कत की बात नहीं। हम लोग ने जिस अप्रोच से बताया आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट हुआ होगा इसमें राइट। तो आप अपना कोड खुद से आप यहाँ पे लिख ही सकते हो और बिल्कुल आपके हेल्प के लिए एक गाइडेंस के लिए मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ऑल्दो आई वांट कि मतलब ये कोड आप खुद से लिखो क्योंकि हम बहुत ही आगे आ चुके हैं अपने इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में, तो अब आपको इस तरीके का कोड जो है ना वो खुद से लिखना चाहिए। देखो यहाँ पर हम मॉड्यूलराइज भी कर रहे हैं चीजों को, अलग से एक फंक्शन बना के हमने अच्छा खासा कंसेप्ट भी लगाया इसमें, लर्निंग भी किया है, तो आप इसको एक बार खुद से लिखो राइट। और अगर नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन आपको इसका एक कोड मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। एंड दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा अगेन अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन पिंग द क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल प्लेटफॉर्म राइट, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड जय हिंद जय हिंद। और अगर हाँ वो वाला क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में कि क्यों हम इतना झमेला लेके ये इनफिक्स्ड एक्सप्रेशन को एक पोस्टफिक्स ऑपरेशन में सॉरी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डू आंसर देयर इन द कमेंट सेक्शन।